नमस्कार दोस्तों, मधुर भंडारकर का जो है एक शो आ रहा है बॉलीवुड वाइफ्स, और सेम टू सेम जो शो है करण जौहर ने जो है सेम टाइटल रख लिया है अपने शो का, द फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स। अब मैं जो है पूरी कहानी आप लोगों को बताता हूँ कि पहले करण जौहर ने और अपूर्व मेहता ने मधुर भंडारकर से ये बात करी थी कि आपका जो टाइटल है बॉलीवुड वाइव्स वो जो है हम यूज़ कर सकते हैं क्या। मधुर भंडारकर ने मना कर दिया था इस चीज़ से, तो अब करण जौहर ने अपने जो नेटफ्लिक्स शो है उसका नाम रख लिया है द फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स, जो कि ऑलमोस्ट सेम है मधुर भंडारकर के टाइटल से। तो फाइनली मधुर भंडारकर ने ये कहा कि ये एथिकली रॉन्ग है, और जो फैंस हैं उन लोगों ने कुछ अभी जो है बॉयकॉट कॉफी विद करण वाला जो कैंपेन है वापस चालू हो चुका है, 3075 ट्वीट्स भी आ चुके हैं, और इसका साफ साफ रीजन ये है कि करण जौहर एक बार फिर जो आउटसाइडर है मधुर भंडारकर उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह वो कॉफी विद करण में किया करते थे। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद काफ़ी सारे कॉफी विद करण के क्लिप्स जो हैं वो बाहर आए थे, और जिसमें करण जौहर सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेके बाकी बॉलीवुड एक्टर से ये सब पूछते थे, और उसके बाद क्या होता था ये तो हम सब जानते ही है, जिस तरह सोनम कपूर ने कहा था सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि कौन है वो, मैं तो जानती ही नहीं उन्हें। इस टाइप की जो बातें हैं ये पहले भी हो चुकी है, और आउटसाइडर को सीधा सीधा जो है बहुत ज़्यादा बेइज्जती सहनी पड़ती है कॉफ़ी विद करण में। तो एक बार फिर जो है फैंस कॉफ़ी विद करण के अगेंस्ट हो चुके हैं जैसे ही मधुर भंडारकर ने ये ट्वीट किया, और सारे के सारे लोग मधुर भंडारकर के फेवर में आ चुके हैं। तो एक बार फिर से करण जौहर मुश्किल में पड़ चुके हैं दोस्तों। आगे की न्यूज़ के लिए आप लोग देखते रहिए सिने स्पीक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।